राहुल शुरुआत करते हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपने आप में बड़ा धमाकेदार मुकाबला होगा, लेकिन इन फास्ट बॉलर्स पर कुछ चर्चा करिए यार, कैसे लग रहा है आपको ये कंपटीशन, कैसा लग रहा है इस बार कंपटीशन? तो मुझे तो इनका तो लग ही रहा, हर कोई इन्हीं की बात कर रहा है इंडिया पाकिस्तान की। ऐसा लग रहा है कि बाकी के बॉलर्स नहीं है, तो मैं बाकी की टीम के बॉलिंग लाइनअप भी देखना पड़ेगा कि वहां पर भाई बाकी की जो बॉलिंग है उनकी भी टीम स्ट्रांग है। लेकिन मुद्दा ये है कि इंडिया पाकिस्तान की बात पहले करते हैं जी। इंडिया में आपको पता है बुमराह, सिराज, शमी जी, कुलदीप जडेजा, हार्दिक पांड्या, 6 के 6 एक्सपीरियंस इनके साथ है। यस, रही बात पाकिस्तान की, शाइन, हारिस, नसीम, फिर हम बात करते हैं सदाब, नवाज या इफ्तिकार या सलमान अली आगा। एक्सपीरियंस में इंडियन बॉलर्स काफी आगे, काफी आगे, बहुत आगे। हाँ। लेकिन टैलेंट वाइज हम बात करें, स्किल सेट, स्किल सेट की हम बात करें, तो ये पाकिस्तान के बॉलर ऐसे हैं जो अपने दिन किसी पर से कम नहीं, किसी से भी कम नहीं है। ये आईटी की हम बात करें तो अगर, तो ये बैटल राउंड होने यही वाला, एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ और उसमें स्किल्स भी। क्योंकि आपने देखा ना, चाहे आप 2021 के T20 वर्ल्ड कप की बात करो जब इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, या 2022 का आपने एशिया कप देखा, या फिर वर्ल्ड कप में आपने देखा, यही नसीम, यही हारिस, यही सदाब। सदाब ने 4 में 24-25 रन दिए थे उस दिन। हाँ जी, तो ये इनकी माइट आप बोलोगे कि इनके साथ जो हम बात करते हैं टेक्निक इनकी, यस, वो मजबूत है इनकी, जज्बा इनके अंदर नजर आता है, इनके टैलेंट इनके पास कूट कूट के भरा हुआ है, इनकी टीम के पास बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और आपको टैलेंट और एफर्ट तो चाहिए होता है। और नंबर्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप मोहम्मद शमी के नंबर देखो यार, T20 फॉर्मेट को मिक्स नहीं करेंगे। T20s में आपको पता है वो स्किल सेट, वो चतुराइयां, वो आप कह सकते हैं वो जैसे कहते हैं ना बड़ा विटी बॉलर, वो सारी चीजें अलग है। 50 ओवर फॉर्मेट मोर लाइक एक बड़ा फॉर्मेट जहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज नाव, अगर आप इन तीनों के कॉम्बो की बात करोगे ना भाई, तो अभी वो शाहीन, नसीम और हारिस डेफिनेटली नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे राहुल, लेकिन उस एक्सपीरियंस फ्रंट में भी, और वो जो आपने एशिया में करके दिखाया तीनों बॉलर्स ने यार, उस पे आप इंडियन बोलिंग अटैक को दुनिया बात नहीं कर रही है। बहुत तगड़ा बोलिंग लाइनअप है, जो आप दुनिया के बेस्ट 3 गिनोगे, आप ऑस्ट्रेलिया से किन 3 को गिनोगे? पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, आपके इंग्लैंड से भी हो गए। देखो बात ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चाहे आप बात करो पाकिस्तान की, वैरायटी लेफ्ट आर्म सीमर कहां है? हमारे पास नहीं है, और उनके पास शाइन और मिचेल स्टार्क है जी, जो भाई किसी भी टीम को ढेर कर सकते हैं। हमारे पास है ही नहीं वो लेफ्ट आर्म सीमर, और वैरायटी का तो अंतर पड़ता पड़ता है। एक आपका राइट आर्म सीमर बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ से लेफ्ट आर्म सीमर बॉलिंग कर रहा है, आपको दोनों को अलग तरीके से खेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को, जो राइट आर्म सीमर होगा वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है कि भाई वो आपकी ज्यादातर कोशिश करता है कि बार आउट स्विंग करो शुरुआत में, एक आध अंदर ही, और जो आपका लेफ्ट आर्म सीमर तो सीधा पैडों पे मारता आती है। बिल्कुल, वो आपको दिक्कत होती है जब एक तरफ से लेफ्ट आर्म सीमर बॉलिंग करेगा और एक तरफ से राइट आर्म सीमर बॉलिंग करेगा। अब आपको पता है कि दोनों तरफ से राइट आर्म सीमर ही अगर बॉलिंग कर रहा है तो आप एडजस्ट कर जाते हो लाइन पर। यार मैं इसका एक बड़ा एग्जांपल तब देता हूं, भाई कहते हैं यार आप बहुत जल्दी कंपैरिजंस पर आ जाते हो, मैं कहता हूं देखो अभी आपने नसीम शाह को श्रीलंका की विकेटों पर फास्ट बॉलिंग करते हुए देखा, शाहीन को देखा, ये बड़ा क्या आंकड़े देख भी रहे हो भाई, 72 मैचेस में इनके 121 विकेट है इनकी ओडीआई में, टेस्ट भी देख रहे हो आप, T20 भी देख रहे हो आप, यहाँ पर तो जबरदस्त आंकड़े रहे इनके भी जी, जबरदस्त नंबर्स। और अगर आप ओवरऑल देखोगे कि भाई अगर आपकी 24 एवरेज है इन ओडीआई क्रिकेट, भाई वो अच्छी खासी एवरेज है। और आपको पता है इन एनी गिवन फेज अगर आपको बुमराह अप फ्रंट चाहिए, बॉल आपको नई बॉल से भी करके जबरदस्त देते हैं, जब गेम डिसाइड हो रहा होता है, जब आपको चाहिए कि हाँ डेथ ओवर्स में आपको रन कंटेन करने हैं, क्रूशियल विकेटें लेनी है, जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट, यॉर्कर्स नेल करने में ही इज वन ऑफ द बेस्ट, उनका हार्ड लेंथ बॉल अब जबरदस्त, अब आप होप कर रहे हो कि अब आप अपने बेस्ट पे जब ऑपरेट करोगे, देन जसप्रीत बुमराह की जो आमरी में जितना आप कह सकते हैं जितने एलिमेंट्स हैं, वो बहुत कम फास्ट बॉलर्स इतने वैरायटी आपको देते हैं, तो जसप्रीत बुमराह इज अमंगस्ट द बेस्ट, तो आप होप कर रहे हो कि एशिया का वर्ल्ड कप में वो जलवा देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह की अगर आप देखोगे नंबर्स राहुल, वो इंप्रेस करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, एक आप चलिए पाकिस्तान के बॉलर्स का भी आप नंबर चलाइए, और आपकी ताकत अच्छी है ना, जो हमें दिक्कत हो रही थी, जो हमें कंफ्यूजन हो रही थी कि वहां पर कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉलर्स है कैसा कर पाएंगे, या जसप्रीत बुमराह कैसा कर पाएंगे, लेकिन एशिया कप में तो आप देख रहे हो आकाश भाई, जब इंडिया में आप आओगे ना, कंडीशन फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत बेटर आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी आप यही हो कर देखिए, जसप्रीत बुमराह को अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं, तो अगर आप बाकी नंबर्स भी चलेंगे उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन जैसे हम कंपैरिजन की भी बात कर रहे हैं राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि यार फास्ट बॉलर्स प्लस स्पिनर्स को आप गेम से बाहर मत कर ले, श्रीलंका में गेम डिसाइड करेंगे स्पिनर्स, तो अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपकी पहली रेटिंग क्या होगी, किसको आप किस तरीके से रेट करोगे? इंडिया को ऊपर रखोगे क्योंकि आपके पास कुलदीप जड्डू का भी एक्सपीरियंस है,
नहीं नहीं एडवांटेज इंडिया के पास ही रहेगी। अगर आप पूरी बॉलिंग की बात करो एडवांटेज इंडिया के पास ही है, आप ये मानकर चल सकते हो 60-40 जी, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है ना वहां पर। जब उनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे सदाब की बात करते हैं चाहे नवाज की बात करते हैं, ये अभी भी नहीं है, पर कुलदीप की हम बात करें चाहे हम बात करें वहां पर रविंद्र जडेजा की एक्सपीरियंस उनके साथ है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की हम बात करें, इंडिया की बॉलिंग आपको थोड़ी बेटर लगेगी, पर जो पाकिस्तान के टैलेंट है ना वहां पर, वैरायटी, शाइन, हारिस, नसीम, यार ये तीनों बॉलर एक, ये भी तो बात है ना, तीनों बॉलर पूरा जज्बा डालते हैं इनके, चाहे नसीम की बात करें चाहे शाइन की बात करें चाहे हारिस की बात करें। और जैसे आप, हमारे बॉलर थके हुए लगते हैं मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे बस ये है कि देखो अभी नसीम को ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं है जो आपके कंपैरिजन जिनसे हम कर रहे हैं, अभी हारिस रऊफ को ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं है। T20 में दे आर वन ऑफ द बेस्ट, दे आर सम ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड T20 क्रिकेट लगातार खेलते हो। शाहीन अफरीदी को आपने करते हुए देखा ओडीआई क्रिकेट में, तो आप उनको लीडर ऑफ द पैक मान रहे हो, लेकिन फिर आपके पास शदाब है, नवाज है, और फिर जब आप कंपैरिजन स्ट्रेट अवे करोगे ना यार, कुलदीप, जड्डू, आपके मोहम्मद शमी, जिनके ओडीआई नंबर्स बहुत अंडररेटेड हैं, मोहम्मद शमी के एट पार विद बुमराह ही नंबर्स हैं, बुमराह को ऊपर रेट करते हैं अगर आप मोहम्मद शमी के ओडीआई नंबर्स की बात करो, और सरफराज सॉरी अगर आप सिराज की बात कर रहे हो अक्रॉस फॉर्मेट्स, उससे जबरदस्त बॉलर अभी रिसेंट टाइम में कोई उभर के नहीं आया। तो इंडिया का ये है कि मैं तीनों को एज इट इज भी रख सकता हूं, शमी, बुमराह और आपके सिराज, राहुल, आप इन तीनों को बैलेंस करके रख सकते हो। क्या हारिस राउ, नसीम शाह, शाहीन वाले लेवल पे ऑपरेट कर पाएंगे? क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में आपने अभी ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज में आपने देखा नसीम ने भाई धमाकेदार बॉलिंग करी है टेस्ट सीरीज में, तो उसकी एज में मत जाओ, एक्सपीरियंस में मत जाओ, वो आपको तगड़ा करके देगा।